अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपण पाहत आहोत मकबरा माझ्या मनातला पाठ क्रमांक 6। मागच्या भागात आपण पाठाची प्रस्तावना व लेखक युमू पठाण यांच्या परिचय अभ्यासलो। आता आपण पाठाच्या सारांशाने वर्णन करू। तर चालूया, चला अभ्यासूया मकबरा माझ्या मनातला। 25-30 वर्ष झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याची आणि माझी आणि मला मकबऱ्याची कधी कंटाळा आला नाही। 25-30 साल गुजर गए लेकिन अभी तक मुझे मकबरा से या मकबरे से मुझे कभी एक दूसरे के हमने आलस या कंटाला महसूस नहीं किया। तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो, हम तो रोज एक दूसरे को देखते है। इसका मतलब ये होता है मकबरा माझ्याकडे आणि मी मकबऱ्याकडे, मैं मकबरे की तरफ और मकबरा मेरी तरफ। जीवा भावाचे दोन स्नेही, स्नेही का मतलब होता है मोहब्बत करने वाले। जीवा भावाचे दोन स्नेही जसे एकमेकांना भेटतात तसे आम्ही रोज भेटतो। माझी त्याची मैत्री ही फक्त त्याला आणि मलाच ठाऊक आहे, कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही आणि मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही। जब तक हम एक दूसरे को देख नहीं लेते, एक दूसरे से मिल नहीं लेते तो हमारा दिल नहीं लगता, हमको बेचैनी सी महसूस होती है, ऐसा यहाँ पर युमू पठाण बता रहे हैं। आगे देखिए, माझा विद्यापीठाला जायची वाट मुड़ी मकबऱ्याच्या गेटावरून गेली आहे। वर्षातून फार मोठे चार पाऊस आले की मकई गेटावर पाण्याचे लोढ्याचे लोढे खालच्या प्रवाहाने वाहतात। देखिए, थोड़ी सी बारिश होती है तो मकई गेट पर से क्या होता है कि जोरों से पानी बहना शुरू हो जाता है, फेसळताना दिसू लागतात। गेटच्या पुलाजवळ कचडे मुला माणसाचे फुलून जातात। देखिए, वहां पर इतने लोग जम जाते सीजन में कि वहां पर जो है ना एकदम आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको लोग ही नजर आएंगे। त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे यायची वाट चिकड़ते, तिथल्या अरुंद पुलावर पानी वाहू लागतो। वहां का जो बड़ा पुल होता है, जो ऊंचा पुल होता है, वहां से क्या होता है पानी बहने लग जाता है और वहां का रास्ता जो है वो कीचड़ से भर जाता है। मग स्कूटर लेने अशक्य होते हैं, ऐसे वक्त क्या होता है कि स्कूटर ले जाना उस उधर से पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किल होता है। अशा दिवशी मात्र मी गेट वरून मकबऱ्याची नजर चुकवून मी जयसिंगपुरावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो। तिच्याकडून प्रवेश मन काहीसे करवावर होतो, थोडंसं अपराधासारखे वाटत लागते। वाटते कि मकबरा आज अपनी वाट पाहत असेल, ऐसा लगता है कि मकबरा जो है मेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि बारिश होने की वजह से, कीचड़ होने की वजह से लेखक को जो है जयसिंहपुर से होकर जाना कुछ होता है, तो लेखक ऐसा सोच रहे कि मकबरा मेरा इंतजार वहां पर शायद कर रहा हो। कल दिवस भर काय घटले, कल दिन भर क्या हुआ ते सांगायचे उत्सुक असेल, वो बोलने के लिए वो मुझे बेताब होऊंगा। दिवसभरात जगात कोणकोणत्या देशातील प्रवासी आले आहे हे सांगायला ते उत्सुक असेल। आपण काय काय केले ते ऐकायला ते मिनार असुसलेले असतील, त्याची बरादरी माझ्याकडे सादर साथ घालत असेल, त्याच्या तेजस्वी घुमट आपल्याला निवाडा करत असेल। इस तरीके से यहाँ पर पहले पैसेज में बताया जा रहा है कि लेखक और मकबरा इनकी दोस्ती का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, यानी मतलब किस तरीके से बेचैनी है एक दूसरे को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब 25-30 साल हो गए, 25-30 साल गुजर गए लेकिन लेखक और मकबरा दोनों को एक दूसरे का कभी कंटाला आया नहीं, इस तरीके से यहाँ पर लेखक युमू पठाण ने बताया।